Excuse me. Rohit! 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 क्या हुआ? अर्जुन! क्या हुआ? अर्जुन सुन, वो जो सुबह तुम लोगों ने घोटाला किया था ना बैंक में 3 लाख रुपए का, और जिसको बकरा बनाया था वो अकाउंटेंट, मालूम है किसका आदमी था? सिकंदर का। तू निकल दोस्त, इसका अंतिम संस्कार हम लोग करा लेंगे। देख पुलिस आती होगी, प्लीज तू निकल। रोहित की बोली हर बात मुझे याद थी। हमारे सारे शौक और सपने उसकी मौत के साथ खत्म हो गए। जिंदगी में अब पैसों की कोई अहमियत नहीं थी। मैं वो धंधा और शहर दोनों हमेशा के लिए छोड़ आया था। रोहित ने एक बहुत सही बात कही थी कि बुरा वक्त और पुराने पाप इंसान को हमेशा ढूंढ ही लेते हैं। हेलो, मेरा नाम कैफ है। काफी सुना है तेरे बारे में, बहुत घुमाया हम लोगों को। सिकंदर ने कल सुबह 9 बजे बुलाया तेरे को, टाइम पे पहुंच जाना। लोग कहते हैं सिकंदर वो इंसान है जो कभी मर नहीं सकता। बचपन में उसके फादर ने मिल स्ट्राइक से परेशान होकर अपने आप को और अपने पूरे खानदान को जहर दे दिया था। सब मर गए पर सिकंदर 10 दिन तक अस्पताल में अपनी मौत से लड़ता रहा और जिंदा बाहर आया। 10 साल की उम्र में वो जिस बार में नौकरी कर रहा था, 20 साल की उम्र में वो उस बार का मालिक था। उसकी बेटी से शादी करके 1 हफ्ते बाद उसका ससुर मर गया। लोग कहते हैं सिकंदर ने उसको जहर देके मारा था। 3 साल के बाद सिकंदर 25 बार का मालिक बन गया। जब बाकी के मुंबई डॉन्स को उससे खतरा हुआ तो उन्होंने सिकंदर की बीवी और बच्चे को किडनैप कर लिया। सिकंदर ने अपने सारे बार्स बेच डाले, अपने बीवी और बच्चे को छुड़ाया, घर लेकर आया और उनको जहर देके मार डाला। आज सिकंदर की कोई कमजोरी नहीं, 300 बार्स का मालिक है। ये जो खान ब्रदर्स हैं जिन्होंने इस पे गोली चलाई थी अटैक करके, वो गोली आज तक उसकी पीठ में पेस मेकर लगा के घूमता है, मगर मरा नहीं, जिंदा है। और सुनने में है कि ये जो खान ब्रदर्स हैं उनको जहर दे के इसने उस चौपाटी के पानी में सुला डाला, और ये जो गणपत है उसको भी जहर दे के वहीं दफना डाला जमीन में। अब वहां पे उसने एक नया बार खोला है, सिन सिटी। तुम्हारा पॉइंट क्या है? कुछ नहीं यार, मेरा पॉइंट ये है कि उसने तेरे को नाश्ते बुलाया तो कुछ खाना पीना मत, और क्या। ओए ड्रामा कंपनी, तुम लोग रुको, अर्जुन चल। मेरे बारे में जो कहानियां तुमने सुनी हैं वो सच हैं। घबराओ मत, इसमें जहर नहीं है। तुम
कैफ ने बताया मुझसे मिलना चाहते हैं। सोचा मेरे पैसे जो तुम्हारे पास हैं, पता लगा लूं ठीक ठाक हैं। कौन से पैसे? तुम किससे डरते हो? भगवान से। भगवान तुम्हारे लिए क्या है? ताकत, टोटल एंड कंप्लीट पावर। तुम दूसरे इंसान हो जिसका यही जवाब है। क्यों, पहले वाला मर गया क्या? पहले वाला मैं हूं। मेरे लिए भी भगवान वही है जिसमें कंप्लीट एंड टोटल पावर है। आई लाइक दैट। क्या तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डर है जो गलत नहीं है? बाय द वे, जानना चाहते हो जिस अकाउंटेंट को तुमने बेवकूफ बनाया उसका क्या हश्र हुआ? जीसस क्राइस्ट, तुम अपने धंधे में लोगों के इमोशन से उन्हें बेवकूफ बनाते हो। मेरा बिजनेस भी इमोशंस का है। Emotion of fear. जानते हो लोग सिकंदर से क्यों डरते हैं? क्योंकि सिकंदर को कोई मार नहीं सकता। दुनिया में 61 किस्म के जहर होते हैं जिसमें 60 का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। देखो सिकंदर, अगर मुझे पता होता वो अकाउंटेंट तुम्हारा आदमी है तो मैं कभी उसे। तुम्हारे दोस्त ने भी यही कहा था। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। टू बैड, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। मुझे मेरे पैसे दे दो एंड यू कैन गो फ्रॉम हियर। तुम्हारे पैसे मेरे पास नहीं है। देन वी हैव अ प्रॉब्लम। मैंने सुना उसने गणपत को यहां लाकर उसे उल्टा लटका कर उसके ऊपर लाल चीटियां छोड़ दी। तो पैसे कहां गए? उधार थे, चुका दिया। उधार चुका दिया? तो मैं चलूं? थैंक्स अर्जुन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बात पैसे की नहीं है, बात प्रिंसिपल की है। आज अगर तुम्हें माफ कर दूंगा तो कल कोई और मेरे पैसे चुराएगा। 10 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे 4 लाख रुपए ला कर दोगे। 4 1 लाख इंटरेस्ट, और तब तक कैफ तुम्हारे साथ साए की तरह से रहेगा। और अगर 10 दिन में तुम पैसे नहीं ला सके तो अपने दोस्त को ऊपर फोन करके कहना कि तुम आ रहे हो। बाय। Cheers. क्या अर्जुन, सब ठीक है ना? या ऑल इंटैक्ट? बच्चे तो होंगे ना? मौत का दूध भेजा है। क्या बोलता है भिड़ू लोग, अभी साथ में रहने का, खूब मस्ती करेंगे। इनसे मिलो। कैफ, हेलो भाटिया। हेलो जैक।